इतना सारा खाना बना के लाए हैं सुबह सुबह उससे कहो कभी सामने तो अब आने न पाए बस नगमे तेरे। दोस्तों सौंफ चाहिए, सुपारी चाहिए, क्या क्या चाहिए, छुआरी, मेथी, सौंफ, दुकान है, मतलब पूरा दुकान है हम लोग के साथ। क्या हो रहा है शिवम? मैगी पार्टी। काला काला पत्थर इधर में लेंस लाइट उठा रहा था। हेलो एवरीवन, खुलुमबाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लोगों पर गिबियोना दिनी जाबाय मागो दमासी। तो मागो दमासी नि गहम हामना नायखौ बाहरनाय जाबाय बयनि सिमबो। एनफ्राय दिनी जों थांगासिनो दं आरो अरुणाचलाव। एनफ्राय लोगोसे दिनी आंजों दङ आंनि मिस्टर नि एकदम बेस्ट फ्रेन्ड। हेलो कुइदों दा। यस हेलो भाभी, दिस इज आदि। आदि एक बार दिखाओ। हेलो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं दिरांग अरुणाचल, और हम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया है गुवाहाटी से। अभी हम लोग जा रहे हैं वाया उत्तर गुवाहाटी, मतलब नॉर्थ गुवाहाटी होके मंदाकाटा होके पहले भैरव कुंड तक। तो काइंडली ब्लॉग देखते रहिए। जो तमाने देग्लाय फैनाया उत्तर गुवाहाटी जाना बिदि मानदाकाटा जाना फैदों। ओमफ्राय मोनसे मोजां स्पट मोनदों आरो बेयाव जों ब्रेकफास्ट खालामनानै थांसै। रावबो ब्रेकफास्ट खालामाखै तो नोंथांमोननो देखायनि। जोंजों आरो मोनसे फेमिलि थांगोन। यहाँ पे है भाभी और यहाँ पे है भैया। आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है। तो भाभी पूरा हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना के लाई है। थैंक यू सो मच, वेलकम। तो लोगों पर बिठा मना बस जंग जंग थांग गन। इन फिर इमान मने बस तो बाइनर लाभ देंगे ना बारा ना लाभ देंगे। तो देखा नहीं निंथा मन ना इतना मतलब तैयारी करके लाए हैं। एक मिनट भैया का दो ना। वाह मोदी जी वाह। चम्मच चम्मच चाय का भी क्या एकदम बंदोबस्त है। वाह। ओह सॉरी सॉरी। वाह इतना सारा खाना बना के लाए हैं सुबह सुबह। अरे नहीं भाई, ये क्या है? एक है क्या? ये पराठा? मेथी पराठा। ये okay. प्लेन पराठा। ओके okay. आलू पनीर, आलू सब्जी, आलू आलू भाजी, आलू भाजी। सॉरी सॉरी। दाजों जानी से ब्रेकफास्ट जा गुठाव गुठाव मैंने सोना लाबदों। अब जा मरमदों एकदम मैंने। तो जोंना जार्नियानो माने बिराद स्टार्टिंगानो बिराद मोजां जादों। तो नाइनसे मामा जायो तो अनाय नालांबाय थादो। तुम्हारा भी आओ नै जोंहा ननि बेनो बानायना लाबो। वर्षा इसका बताओ क्या लेगा। हां नै जोंहा ननि बेनो बानायना लाबोदों बिराद टेस्टी बादि मोनदों। अरे तो सौंफ चाहिए, सुपारी चाहिए, क्या क्या चाहिए, छुआरी, मेथी, सौंफ, अजवाइन, गिर गया, सब जुगाड़ है, मतलब पूरा दुकान है हम लोग के साथ। तो देखिए पूरा तीन दिन का खाने का सामान है यहाँ पे। पूरा स्टॉक हम लोग को खाने का चिंता ही नहीं है अभी। मतलब तो हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया आराम से। अभी टाइम हो रहा है, दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। अभी दिरांग के लिए जाने के लिए। अभी पहले हम लोग भैरव कुंड रुकेंगे, बीच में स्टे होगा थोड़ा। ओके भैरव कुंड। हेलो गफर बिदिबा नालंग में था दे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव कुंड, और आप लोग देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में है भूटान का पहाड़, बीच में ये नदी है, और राइट साइड में जो पहाड़ आप लोग को दिख रहा है वो है अरुणाचल का पहाड़, और बीच का पार्ट है असम मतलब BTR रीजन का उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक पिकनिक स्पॉट है। आज आप लोग को बहुत सारे लोग दिखे हैं क्योंकि आज है हम मकर संक्रांति। तो यहाँ ये एक बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। हम लोग अरुणाचल अभी एंट्री मार चुके हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीनरीज वगैरह है, बहुत अच्छा। तो हम लोग अभी आगे और भी है, आशा करते हैं बहुत आगे बहुत सुंदर सुंदर हमें स्नोफॉल मिले। हाँ, फ्रेश स्नोफॉल। नए शिवमा उन्दू लांग
दोस्तों आज का जर्नी बहुत ही लंबा होने वाला है, तो हम लोग ने यहाँ पे अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया है। आप लोगों को अंताक्षरी खेलना पसंद है कि नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लोग फिर जंग तमने इमान गजान लामा ठंगना गन्ना लाए बोर्डिंग मनगन, सो तमने जंग इसे अंताक्षरी के लिए बैर ना टाइम पास नहीं था गए नंग ठंग मना खेलने मजाक मन्ना मना कमेंट सेक्शन में खंठा साइ एंजॉय ओहो धन्यवाद धन्यवाद आप बड़ा जगह से ले लाए ना ये वो खाता जेनेश खाता है लो ये उसको। तो दोस्तों दिरांग अरुणाचल हमें इतना पसंद आया, मतलब ये हमारा सेकंड ट्रिप है। हम लोग लास्ट ईयर सेम डेट पे ही निकले थे असम से दिरांग के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग ने सेकंड टाइम भी विजिट करने का प्लान किया, तो इस बार विद फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हम लोग आए थे विद फैमिली, तो आई होप इस बार का भी ट्रिप बहुत ही अच्छा होगा। तो काइंडली ब्लॉग एंड तक देखिएगा, मैं सारा डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आगे आगे क्या क्या करते हूँ, कौन से रास्ते से जाती हूँ, सब कुछ आप लोग को दिखाऊँगी। तो काइंडली ब्लॉग देखते रहिए। जंग दा दुसे शेरगाव सफी बाय शेरगाव इसे माने पेट पूजा खालम से एरी बेदी गुसु बियाव इनखैनो बिदी लाबाय एक्टर को नै दे सासे को एरी बेदी ठंडा मन रही है माय गॉड पूरा भरपूर स्टॉप हां दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं शेरगांव और अभी शाम के 3 बज चुके हैं और हम लोग ने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे लंच कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट हैवी क्या था, तो अभी हम लोग थोड़ा लाइट ही लेंगे लंच, क्योंकि अभी अगर हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे गरम गरम कप नूडल्स और रोटी जो भी है हम लोग अभी थोड़ा खा लेंगे। और ये जो व्यू है आप लोग को मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है जिसके सामने नदी, कभी अगर आप लोग इस रास्ते से जाते हो तो यहाँ पे रुक के थोड़ा देर इसका व्यू मतलब एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। ये हम लोग जहाँ पे रुके हैं यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड है एक्चुअली, और अभी तो फ़िलहाल सीज़न नहीं है तो सब कुछ ड्राई ड्राई है, अदरवाइज़ अप्रैल मंथ में ये पूरा हरा भरा रहता है। तो हम लोग थोड़ा व्यू एंजॉय करके लंच कर लेते हैं लाइट। तो आप लोग काइंडली ब्लॉग देखते रहिए। पापा जैसा डिश बना दिया, मीठी पराठा विराट टेस्टी मजा डन मैं खाली चिप्स लो तो बैठे ना तुम्हारे लिए किया था। दोस्तों जब भी हम लोग अरुणाचल के बारे में बोलते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले तवांग का ही मतलब इमेज आता है, क्योंकि तवांग बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी फेमस है। लेकिन तवांग से भी खूबसूरत जैसे कि दिरांग वैली, तेंगा वैली, रूपा वैली, बहुत सारे छोटे छोटे जैसे वैलीज़ है या फिर जगह है मतलब अरुणाचल में एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दिरांग ही वाया बोमडिला होके ही जाएंगे, लेकिन ये जो रास्ता हम लोग ने लिया है ये है वाया भैरवकुंड। तो अगर आप लोग जाना चाहते हो आप लोग कभी तेजपुर होके भी वाया भालुकपुंग बोमडिला भी एक रास्ता है, या फिर शेरगांव होके भी आप लोग मंडला टॉप होके भी जा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं दिरांग पहुँचने के लिए। अगर हमें पूछेंगे तो हमें ये रास्ता बहुत ही पसंद है क्योंकि काफ़ी नया रास्ता है, लेकिन बीच बीच में आपको रॉक स्लाइड थोड़ा मिलेगा और ये तो हिल मतलब काफ़ी नेचुरल है, पहाड़ों पर ये कॉमन है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, रास्ता काफ़ी नया और अच्छा है। तो हम लोग को ये रास्ता बहुत ही पसंद है तो इसलिए फिर से इसी रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन ये रास्ता आपका थोड़ा आगे जाके जैसे कि रूपा वैली में कनेक्ट होता है, वहाँ से आपको जो लोग भालुकपुंग होके आते हैं वो फिर वो रास्ता वहाँ से बोमडिला तक कनेक्ट होता है, सेम रास्ता हो जाता है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बोमडिला, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, ऑलरेडी मतलब 5 बज चुके हैं, थोड़ा शाम हो चुका है, देखिए कितना फॉग हो गया है रास्ते में, अभी थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ेगा, थोड़ा रिस्की होता है। तो अगर आप लोग पहली बार आएंगे तो प्लीज़ जितना हो सके थोड़ा जल्दी निकलिएगा, क्योंकि रास्ता बहुत ही डेंजरस भी होता है, फॉग की वजह से आपको क्लियर विजिबिलिटी बहुत कम होता है। तो हो सके तो थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट दिरांग ना जाके बोमडिला में भी आप लोग आराम से स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स अच्छे अच्छे होटल्स हैं। और फाइनली आते आते हम लोग पहुँच चुके हैं दिरांग और अभी शाम के 7 बज चुके हैं, तो हम लोग आज रुकेंगे होटल पेमालिंग दिरांग टाउन पहुँचने से थोड़ा पहले। और दिरांग में आपको काफ़ी सारे होम स्टेज भी मिल जाएंगे रिजनेबल रेट में और अच्छे अच्छे होटल्स भी है, आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आज का जो होटल है होटल पेमालिंग, ये भी हम लोग ने ऑनलाइन ही बुक किया था,
तो लोगोफोर जों अलरेडी माने दा दिरां सफैबाय ओमफ्राय जों देग्लाय तारमाने होमस्टेयाव थायासै नोंथांमोना जुदि आंनि आगोलनि ब्लग खोनादों बेयाव आं मोनसे होमस्टेखौ देखायदोंमोन थिनि जों थागोन हरसे हटेलाव हटेल पेमालिं तो नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो आं हटेलनि डिटेल्सफोरखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन ओमफ्राय देखायलांसै माबायदि हटेला तो बेनो जाबाय हटेल पेमालिं दिरां टाउन मोननायनि एसे सिगां तो ये है रिसेप्शन एरिया और साथ ही में लॉबी भी था लेकिन मैं आप लोग को कल मॉर्निंग का दिखाती हूँ क्योंकि अभी दूसरे गेस्ट बैठे हैं तो अच्छा नहीं लगता वीडियो करना तो अभी फटाफट आप लोग को क्विक रूम तोड़ देती हूँ तो रूम के मतलब एंट्रेंस में ही आप लोग को मिल जाएगा वॉशरूम जो काफ़ी नीट एंड क्लीन है और ये है रूम जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डबल बेड है यहाँ पर और ठीक उसके सामने है बैल्कनी तो इधर साइड में आपको कबर्ड भी दिख रहा है सारे बेसिक एमिनिटीज़ है यहाँ पे और ये देखिए व्यू वो रहा दिरांग टाउन तो ये दूसरा कमरा यहाँ पे हम लोग रुकेंगे और हम लोग ने तीन रूम बुक किया है जैसे कि तीन फैमिली तीन रूम और साथ में हम लोग ने हर एक रूम में एक एक एक्स्ट्रा बेड भी ऑर्डर किया है मतलब जैसे कि मेम्बर्स ज़्यादा है रूम टोर को क्विक रूम टोर होने होटल को मजाई गाबन फुंआव देखागन गासिबो डिटेल्स बेसे लायो बेसे लाया गासिखौबो आं मोजाङै खोन्थाजोबगोन तो बेनोसै ओमफ्राय बिथिं आरो नै बेसे सानिया एकदम चान्स मोननायावनो मबाइल आरो पुरा गेलेनायाव बिजि मबाइल गेम गेलेनायाव गथ'फोरा दाना मा खालामनो आरो ना उपाय गैया आरो आं सिबोमनो हायाखै किन्तु बे बिनि लोगोनि मबाइलाव पुरा नायबाय थाबाय ओमफ्राय दा जों मेंबायबो हरबो जाबाय ओमफ्राय दा थांसै जोङो डिनार खालामनो हरनि ओंखामखौ जानो ओमफ्राय हटेल माने रेस्टुरेन्टा एसे बाहेरथिं थांनांगोन तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए तो रेस्टोरेंट जाने के लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा और बाहर की तरफ है तो ये रहा रास्ता तो चलिए चलते हैं यहाँ पे लोग बॉनफायर कर रहे हैं दूसरा ग्रुप है तो वो लोग बॉनफायर करके म्यूज़िक भी बजा रहे हैं पूरा एंजॉय कर रहे हैं लेकिन हम लोग के पेट में पूरा चूहा दौड़ रहा है तो पहले हम लोग पेट पूजा ही कर लेते हैं तो लोग फर्स्ट जंग अंखम जागरण से विराट उखी भाई ओमफ्राय बारा अर्डर होगा वेज खोने अर्डर होबाय ओमफ्राय नै बिबार बारी जा समायना नुदों गाबोन फुङाव नोंथांमोननो मोजाङै देखायनोसै बिथिं आरो पुरा बेलेग माने गेस्टफोर दङ आरो ना हौवाफोर बिराद एन्जय खालामगासिनो आरो मिउजिक दामगासिनो बनफायार खालामगासिनो किन्तु जोंबो बिराद गोजांबायबो सफैनानै बेयाव ओमफ्राय अर्डार होबाय जोङो ओंखाम तो दा जों जाना लानोसै फार्स्टआव जानायखौ देखायबाय थाला आरो जेबो स्पेसियेल अर्डार खालामाखै ओरैनो निरामिसखौनो जानोसै तो दोस्तों डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन डिनर हमें ऑर्डर करना पड़ेगा तो हम लोग ने ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है हम लोग अभी कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं लाइट ही खाएंगे तो वेज ही ऑर्डर किया है तो पहले हम लोग खा लेते हैं फटाफट सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिरांग और ये रहा व्यू आज का सुबह का हमारे रूम के बैल्कनी से तो लोग फिर बेने जाबाय फुंनी व्यू आ होटल नि बैल्कनी निफ्राय आरो ना जोंनि रूम निफ्राय बिराद मोजां नुदों किन्तु बिराद गोजांदोंमो आरो ठंडा ठंडा दोस्तों अभी हम लोग फटाफट ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं तो ये देखिए मॉर्निंग का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और ये रहा डाइनिंग हॉल तो यहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे बुफे ब्रेकफास्ट है ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो लगे फिर मैंने जब आए ब्रेकफास्ट भी सेम डाइनिंग एरिया एंड फ्राइज बुफे ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट का जंगना कॉम्प्लीमेंट्री तो मैंने ब्रेड दंग बटर दंग एंड्राय पूरी सब्जी दंग एंड्राय पोहा दंग दाउदी दंग तो दोस्तों ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेड बटर जैम टी कॉफ़ी मिल्क फिर पोहा पूरी सब्जी ये सब मिल जाएगा बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है बट ठीक ठाक है इट वाज टेस्टी और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अभी ये एरिया दिखा देती हूँ जहाँ पे बॉनफायर भी कर सकते हैं यहाँ पे दो जगह है बॉनफायर करने के लिए हालाँकि हम लोग ने कल नहीं किया बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे तो खाना खा के सीधा घास सोने चले गए तो बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा होटल है आप लोग आके रुक सकते हो तो यहाँ पे है लॉबी एरिया जो मैंने कल नहीं दिखाया था आप लोगों को तो रिसेप्शन के साथ ही लॉबी एरिया है आप लोग आराम से बैठ सकते हैं तो अभी थोड़ा बाहर से दिखा देती हूँ
तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं दिरांग एक्सप्लोर करने के लिए। तो काइंडली आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग भी जरूर देखिएगा। तो रुकफर ढिन्नी ब्लॉग बाउनुख फजबने से विराट कलाउज बाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल द एंड एंड फ्राई लगे मुन फिन से निंगथंग मुन खो नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ टिल देन टेक केयर बाय बाय। Cheers! Soup party! Soup party! Soup party!